नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त नीरज। और दोस्तों कल हम देखेंगे 16th of November 2022 के लिए बैंक निफ्टी पे कहाँ पे हमें बाइंग करके चलने चाहिए और किस लेवल पे हमें सेलिंग करके चलने चाहिए। तो दोस्तों ये जो कल के लेवल ड्रॉ किए थे मैंने आप लोगों के लिए एग्जैक्टली वहाँ पे ही अपनी एनालिसिस आप लोगों को आज फिर से बता रहा हूँ कि मैंने जैसा बोला था कि ये रेंज में फंसा हुआ है मार्केट और जैसे भी इस रेंज को ये ब्रेक करेगा तो इसका फर्स्ट टारगेट जैसा भी आपको मैंने बताया था 320 और सेकेंड टारगेट 450 का आप लोगों को बताया था। और एग्जैक्टली आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने जो हाई क्रिएट किया है 42,450 के रेंज में फंसा हुआ है। तो देखिए हमें जो चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो एक रेंज आउट हो चुका है मार्केट, जो ब्रेकआउट हमें मिलना था वहाँ पर मिल चुका है। ऑल टाइम हाई हमारा 42,450 का बैंक निफ्टी पर क्रिएट कर दिया है। तो अब कल के सेशन में हम देखेंगे 16 नवंबर को कौन सी सी पे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जिसकी प्रीमियम एकदम से बढ़ेगी। और अगर कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट होते हैं जहां पे हमें पी साइड पे जाना पड़ेगा तो वहां पे हम पी की प्रीमियम भी ऐसी लेना चाहेंगे जहां पे एकदम से उसमें इंक्रीज होने के चांसेस हो, और ऐसी लेवल पे हम सी को लेवल को बाय करेंगे जहां पे सी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस हो। तो इसके लिए क्या स्ट्राइक प्राइस रहेगी आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को डिटेल से मैं समझाता हूं। तो दोस्तों आज के जो लेवल मैंने थे आप लोगों को बताने वाला हूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रेंज ब्रेकआउट हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कल के सेशन में किस लेवल पे हमें बाइंग सेलिंग करके चलनी है। अगेन वेलकम बैक गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए जो लेवल निकाले हैं डाउन साइड में सेम लेवल रहेंगे। अगर ये सपोर्ट जोन है, मान लीजिए मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपनिंग होता है, गैप डाउन मींस ये 250-300 के आसपास होता है, तो यहाँ से फिर से एक सपोर्ट जोन क्रिएट होगा और 300 के लेवल को सपोर्ट बना के ये फिर से एक रेजिस्टेंस जो 450 का इसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अगर इस लेवल पर क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हमारे ऊपरी जो लेवल निकल के आ रहे हैं, अगर 450 के लेवल को ये नीचे से ऊपर की ओर काटते हुए निकलता है तो हमारा फर्स्ट लेवल 570 का निकल के आ रहा है, यानी 42,570 का फर्स्ट टारगेट, 42,670 का सेकंड टारगेट, और यहाँ से बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आती है मार्केट में तो 42,770 के टारगेट ये कल के सेशन में दिखा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्केट में आपको सपोर्ट जोन पे बाइंग करना है। सपोर्ट जोन जो बना हुआ है 42,280 के आसपास का सपोर्ट जोन है, 280 से 300 की रेंज में जैसे भी बुलिश कैंडल आपको फॉर्मेशन दिखेगी वहाँ से हम बाइंग जोन में जाना पसंद करेंगे। और सेलिंग जोन में तो देखिए जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 42,080 के बिलो अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से बड़ी आपको रैली देखने को तो नहीं मिलेगी, लेकिन 100-125 पॉइंट के आपको डाउन मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है जो कि इसे 41,957 तक ला सकता है, 41,846 तक ला सकता है। और भी अगर ज़्यादा डाउन साइड आता है तो इतनी उम्मीद नहीं है, इसलिए यहाँ की नहीं सोचनी चाहिए। तो देखिए कल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो है यहाँ पे सी साइड पे ही जाना आपको प्रेफर करना पड़ेगा, और मैं सबको प्रेफर करूँगा पी साइड में, सी साइड में ही आप जाएँ और आप एक सपोर्ट लेवल पे जाएँ। तो कैसे आपको एंट्री लेनी है, तो सपोज़ देखिए मार्केट कल गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है और करीब करीब 500 के ऊपर जो है गैप अप ओपनिंग आपको मार्केट देते हुए चल सकता है कल के सेशन में। तो अगर 500 के ऊपर एक बुलिश फॉर्मेशन होता है कैंडल का, 15 मिनट्स की कैंडल भी अगर फॉर्मेशन होती है और 15 मिनट्स की कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली जो है 400 की सी को बाय करेंगे। तो देखिए हमारे लिए जो कल का जो स्ट्राइक प्राइस है 42,400 की सी पे हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आप 400 सी को इमीडिएटली बाय करेंगे जैसे भी 42,500 के लेवल के आसपास मार्केट निकलता है तो 500 के ऊपर ही निकलने दीजिए, 530-40 के रेंज में जैसे भी जाएगा मार्केट आप इस सी को बाय करेंगे तो यहाँ से एक मूवमेंट आपको इमीडिएटली 100 पॉइंट की मिलेगी जो कि इसे 42,670 तक ले जा सकती है। और यहाँ से अगर थोड़ा सा फिर से नीचे आने के बाद मार्केट जैसे बढ़ेगा तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर से अगर इस रेंज को काटता है तो फिर डेफिनेटली हमारे ये टारगेट आ सकते हैं जो कि 42,770 के हैं। तो ये देखिएगा आप ये सब लेवल हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके लिए यह है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। मार्केट कहाँ पे ओपनिंग दिखाता है, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दिखाता है तो मार्केट इस सपोर्ट में भी आके रिवर्स हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया है।
450 के लेवल को सपोर्ट बना के फिर यहाँ पे आके कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जाएगा। फिर से अगर ये 550 के लेवल के आसपास आके सपोर्ट लेता है, फिर से अगर ये 550 के या 70 के लेवल को काटता है तो फिर यहाँ से मार्केट 770 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। कल काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा मार्केट। ऑलरेडी जो मार्केट हमारा रेंज में चल रहा था, तो एक रेंज से जब भी मार्केट निकलता है तो एक बड़ी मूवमेंट आपको दिखा देता है। तो देखिए मार्केट एक रेंज आउट हो चुका है, रेंज के बाहर निकल चुका है बैंक निफ्टी, जिस रेंज का काफ़ी समय से हमें इंतजार था। और जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो जो बाइंग सेलिंग साइड पे वर्क करते हैं, जो ऑप्शन राइटर्स हैं, तो सभी इसी चीज़ का वेट करते हैं कि भाई एक रेंज से बाहर निकलेगा तब हम जो है पी को शॉर्ट कर देंगे। तो उनका भी व्यू यही है कि भाई मार्केट अब नीचे की ओर जाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। तो यहाँ से सभी नए जो फ्रेश बायर्स हैं 500 के ऊपर यहाँ पे बाइंग एंट्री लेंगे। 42,500 के ऊपर जो है इसमें फ्रेश बाइंग बनेगी, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। 42,500 की सी को भी हम यहाँ पे अपने रडार पे रखेंगे, और हमारा जो यहाँ पे जिसमें हम वर्क करेंगे 42,400 की सी पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि इन द मनी पे हम कल काम करना चाहेंगे, क्योंकि वेडनेसडे का सेशन है तो प्रीमियम भी इसकी हमें एक सही रीजनेबल रेट पे मिल जाएगी, तो हमारे लिए ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों आपके लिए मैंने बता दिए हैं ऊपरी के लेवल जो भी हैं, 450 के लेवल को काटेगा तो 570 का फर्स्ट टारगेट, 670 का सेकंड टारगेट एंड 770 का थर्ड टारगेट। तो इसी के बेस पे आप देखिएगा कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। और 42,000 के अगर आसपास भी आपको मार्केट एक बार मिलता है, अगर सपोज़ मार्केट थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन रैली दिखाता है और यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा मान के चलिए मार्केट कहीं इस रेंज में ओपन होने के बाद फिर से अगर नीचे की ओर आता है 42,100 एंड 42,050 या 100 के आसपास भी आपको मिलता है, तो यहाँ पे 42,000 की सी पे हमें वर्क करना होगा। और 42,000 की सी पे हम यहाँ पे बाइंग साइड पे जाना पसंद करेंगे। और यहाँ पे हमारे पहले आप जो है इसमें एक लॉट्स के साथ वर्क कर सकते हैं, एक लॉट में जैसा भी आपको लगे कि अब यह मार्केट बुलिश हो चुका है तो वहाँ पे और क्वांटिटी आप उसमें ऐड करते जाएं। दो लॉट ऐड करें, फिर दो लॉट और ऐड करें, ऐसे कर करके आपकी अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जाएं। आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, आपको क्वांटिटी वहाँ पे इंक्रीज़ करनी है अगर आपके फेवर में मार्केट जा रहा है, क्योंकि आपके प्रॉफिट को जो आपको प्रॉफिट हो रहा है आपको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आपको क्वांटिटी ऐड करनी होगी। तो अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप वर्क करते हैं, अगर आप 5 लॉट पे वर्क करते हैं तो एक साथ ऐड ना करके पहले एक लॉट लें, अगर आपके फेवर मार्केट जा रहा है तो दो लॉट और ऐड करें, और फिर आपके फेवर में जा रहा है तो दो या तीन लॉट और ऐड करते हुए चल सकते हैं। और जैसा भी एक रेजिस्टेंस जोन पे आप जाएं तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी आप अपनी निकाल भी सकते हैं, और तीन क्वांटिटी के साथ लॉन्ग के पोजीशन के लिए आप जा सकते हैं। तो बेस्ट लेवल होगा 42,100 के आसपास अगर मार्केट मिलता है आपको, तो यहाँ से 42,000 के सी को आप बाई करते हुए चलेंगे। कल हम बुलिश साइड में हैं और काफ़ी हद तक मान के चलिए गैप अप मार्केट रह सकता है। और गैप अप हमारी जो भी स्ट्रेटजी है दोस्तों, जो मार्केट जब एक बिग गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ से हमारी स्ट्रेटजी जो भी है तो आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। वहाँ से हमें दो कैंडल चाहिए रहती हैं 15 मिनट्स की, कि बैक टू बैक वो एक दूसरे को लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएँ, और थर्ड कैंडल अगर सेम थर्ड कैंडल लो को ब्रेक करती तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, अदरवाइज अगर इसके इनसाइड भी बनती है और फोर्थ कैंडल इसे ब्रेक करती तो हम फोर्थ कैंडल के यहाँ पे एंट्री लेंगे, और यहाँ से हमारा जो है एसएल ये रहेगा। तो आप जो गैप डाउन थ्योरी है मेरी, गैप डाउन गैप अप या गैप डाउन, तो उसको वीडियो जरूर देखें आप, और मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप उसे लर्निंग सीरीज के फोल्डर पे आप क्लिक करके जो है लर्निंग सीरीज के वीडियो बनाए हैं उस पे क्लिक करके आप जो है गैप अप वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट से भी जो लर्निंग सीरीज की मैंने वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप उससे ज़रूर से वॉच करें और देखें सीखें वहाँ पे। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। जो भी नए बंदे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल जरूर से आप ज्वाइन कर लें अगर मेरा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें मैं लाइव अपडेट भी देता हूँ आप लोगों को। तो एजुकेशनल पर्पज़ से वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में बहुत कुछ चार्ट एनालिसिस और सभी लेवल्स वगैरह फाइंड आउट करके मैं रखता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे गाइडेंस देता हूँ कि आप लोग भी सही लेवल पे वर्क करें। कुछ भी कहीं भी एंट्री करने से अच्छा जो लेवल है हमारे, अगर सपोज वहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस जोन में मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, या नेगेटिव कैंडल दिख रही है, या कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है मुझे जहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे की ओर मूवमेंट कर सकता है, तो यहाँ से मान के चलिए मैं फिर से एक यहाँ पे आप लोगों को पी साइड पे भी एंट्री दे सकता हूँ। ऐसा भले मैं बोल रहा हूँ कि आज सी साइड पे ही हमें एंट्री लेनी है, अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे 670 के लेवल के ऊपर भी चले जाता है, तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसी नेगेटिव कैंडल बनती है जो कि हमें यहाँ पे अच्छा मुनाफा दे सकती है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए एक जो इन्वर्टेड हैमर टाइप की बन गई और उसके नीचे हम यहाँ पे एंट्री भी ले रहे हैं, तो यहाँ से उसका एसएल भी हमारा प्रॉपर रहता है, तो यहाँ से हमें बड़ा मुनाफा होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि कई बार देखिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें सी साइड पे जाना चाहिए, लेकिन एक गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो वहाँ पे हमें नेगेटिव वैसे भी सोचना पड़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुलिश मूवमेंट आ गई, तो उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत सर्च करके वहाँ से पी पोजिशन निकालनी पड़ती है। तो जो भी बंदे आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल मेरा लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, जल्द से जल्द आप सभी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल आप लोगों के लिए रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाते हुए सभी जाएं। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।